एस्ट्रो इंडी ने एक बात शेयर की थी कि आपका कुछ भी ख़राब हो जाए चलेगा, बट आपका जुपिटर ख़राब नहीं होना चाहिए। ये सही बात है, बिकॉज आपका जुपिटर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, बाकी चीज़ भी करती है, बट स्टिल जुपिटर इज़ द हाईएस्ट, बिकॉज हम सेल्वेशन की तरफ हमारा जो गोल रहता है। तो लाइफ में आपके जो भी चलता रहता है, अप्स एंड डाउन्स, दिस दैट होते रहता है, बट आपका जुपिटर अच्छा रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है इन एवरी वे। तो अगर हम ऐसे भी चेक कर लेंगे नॉर्मली, तो आपको हर चीज़ इजीली अनफोल्ड हो जाती है, फिर आपको वेज मिल जाते हैं। अगर आप डिवाइनली कनेक्टेड रहते हो, आप उनसे सवाल करते हो और आप उनके आंसर्स रिसीव कर पाते हो, बिकॉज़ आपका कनेक्शन उनके साथ कैसा है, किस प्रकार है, ये फ्रेंडली होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज़ अगर आप ये रखोगे, देन आप हर चीज़ ईजीली अनफोल्ड कर पाओगे। अगर कुछ ऑब्स्टिकल्स है तो भी आपको इतनी नहीं परेशान करेंगी, इट जस्ट हेल्पिंग यू टू रिलीज योर कर्मा, वो इतना ही काम रहता है। बट आपको ये अंडरस्टैंडिंग रहेगी, विच इज़ मच इम्पॉर्टेंट इन एवरी वे। और अगर आप डिवाइनली कनेक्टेड रहते हो, देन बाकी जो भी कनेक्शंस रहते हैं या फिर सोल्स रहते हैं, वो एक माध्यम रहते हैं, बिकॉज आप भी किसी का माध्यम रहते हो। देन जो भी आपसे चीज़ें कनेक्ट होती है, वो डिवाइन ही का ही फॉर्म रहती है जो कनेक्ट होते हैं, बट शायद जो सामने वाले पर्सन या फिर सिचुएशंस, वो वैसे आपको समझ नहीं आती, बट मेजर पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे, देन आपको ये समझ आएगा कि ये जो भी हो रहा है, जो भी हो रहा है, जैसा अनफोल्ड हो रहा है, वो यूनिवर्स के थ्रू ही हो रहा है। अगर हम कहते हैं ना, पत्ता भी विदाउट डिवाइन के परमिशन में से नहीं हिलता, देन सिचुएशंस कैसे अनफोल्ड होंगी, राइट? सो सिचुएशंस भी जैसे हो रही है अनफोल्ड, वो डिवाइन गाइडेंस के अंडर ही हो रही है। जो भी आपसे कनेक्शन आ रहे हैं, जो भी रिलीज हो रहे हैं, वो सब आपका रिलीजिंग चल रहा है, आपका लर्निंग चल रहा है और आपका अनफोल्डिंग चल रहा है बेटर वे। सो आप इसे अच्छे से परसीव करना और अच्छे से लाइफ अनफोल्ड करना। देखिए, जुपिटर एंड वीनस दोनों भी इम्पॉर्टेंट है और उनका इम्पोर्टेंस हमारे लाइफ में रहता है। एक ज्ञान है जो कर्म करते करते हमें मुक्ति की तरफ ले जाते हैं, और एक दूसरे जो है प्रेम भाव है, जो भी हम करते हैं उसके चीज़ के प्रति जो हमारा प्रेम रहता है, डेडिकेशन रहता है, इन्वॉल्वमेंट रहता है। सो एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड डायरेक्टली इनडायरेक्टली, हर चीज़ कनेक्टेड है यहाँ से या फिर उस तरफ से। सो जस्ट अनफोल्ड इट वेल। थैंक यू, प्रणाम।